पैगंबर मोहम्मद जितना मुसलमानों के हैं उतना ही हमारे हैं। इसीलिए आप कहते हैं नबी हमारे हैं, पैगंबर साहब हमारे हैं, हम उनके हैं अवतार। किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं आता, किसी एक जाति के लिए नहीं आता, किसी एक राज्य के लिए नहीं आता, किसी एक वर्ग के लिए नहीं आता। और माफ करना, वो तो देश की सरहद में भी उसे बांधा नहीं जा सकता है, पूरी दुनिया में पूरी कायनात के लिए आए हैं। तो उन पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है, वो जितने आपके हैं उतने हमारे हैं। पैगंबर मोहम्मद जितना मुसलमानों के हैं उतना ही हमारे हैं। इसीलिए, और मैं ये बात मैं जब कांग्रेस के साथ था तब कहता था, आज नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं है। मैं जब कांग्रेस के साथ था तब भी सच के साथ खड़ा होता था, और आज मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं तब भी सच के साथ खड़ा हूं। सच के साथ। सत्ता आती है जाती है, सत्ता आएगी और जाएगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, बिगड़ेंगी मिटेंगी। जनता से सवाल ले सकते हैं। मेरा आपसे एक सवाल था कि आपका एक सोशल मीडिया पे गाना मैंने सुना कि नबी जितने तुम्हारे उतने हमारे, तो सर आप हमारे लिए एक बार ये गाना गा दीजिए। वो मेरे द्वारा लिखी हुई एक नज्म का हिस्सा है जो मैंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए लिखा उनके बर्थडे पे। मैं एक प्रोग्राम में इनवाइट किया गया हैदराबाद में। हैदराबाद का मतलब ओवैसी मत समझ लेना। और सुने, आपकी अदालत जब देखेंगे ओवैसी तो उन्हें भी सुनना पड़ेगा, ये कानों में रुई नहीं लगाएंगे, वो भी सुनना पड़ेगा कि एक हिंदू धर्म गुरु, एक हिंदू धर्माचार्य, शिक्कल की पीठ का पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कहता है। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना, उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं।